तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए ध्यान से, और इसको मैंने सॉल्व भी कर रखा है तो कैलकुलेशन भी हम लोग चेक कर पाएंगे बीच बीच में। चलिए, मैं रिएक्शन निकाल रहा था इसकी, तो रिएक्शन अगर निकालें तो आर बी मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 14 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 9.5 और माइनस 90 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों सॉल्व करोगे ना तो आरबी की वैल्यू जो सॉल्व होके आएगी वो मैंने सॉल्व कर रखी है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वो बच्चों आती है 60। आरबी की वैल्यू आती है 60, तो आरई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आरई की वैल्यू हो जाएगी 90। तो आरई की जगह यहाँ 90 यूज़ कर लूँगा मैं, और आरबी की जगह कितना यूज़ कर लूँगा 60 किलो न्यूटन यूज़ कर लूँगा। चलो अब सवाल एक बार बता देता हूँ क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम है, दो लोड लगे हैं, आई और ई की वैल्यू दी हुई है, डिफ्लेक्शन एट सी एंड डी, डिफ्लेक्शन का सवाल है। तो मैकॉले मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, तो मैकॉले मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर एक सेक्शन बना लेता हूँ मैं एक्स एक्स, और उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी मान लूँगा एक्स मान लूँगा, और फिर इक्वेशन लिखूँगा। तो चलो इक्वेशन लिखता हूँ मैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम एक्स इज इक्वल टू, चलिए 90 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, जैसा हम लोग ने मैकॉले में सीखा है, माइनस ये वाला 90 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके लिए डिस्टेंस कितनी बची, पूरी एक्स से इतनी 3 है, यानी कि एक्स माइनस 3, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 9.5, ये हो गया तीनों पार्ट के लिए। हाँ ठीक है, तो m को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, m को लिख सकता हूँ मैं ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो ई आई, और क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 90 एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन माइनस माइनस 90 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन टू माइनस 60 इंटू एक्स माइनस 9.5 का होल स्क्वायर अपॉन टू। एक बार और इंटीग्रेट कर देता हूं तो ई आई डी वाई कितना हो जाएगा 90 बाई टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू माइनस 90 बाई टू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब बाई 3 माइनस 60 इंटू एक्स माइनस 9.5 का होल क्यूब, टू ये वाला और 3 इसके नीचे वाला। ठीक है बच्चों, और इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई आई वाई इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा 3 टू जा 6 और ये 15 हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ, छोटा लिखने में दिखेगा, यहाँ पर भी ये बना। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, सी वन सी टू की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जब हम लोग डिफ्लेक्शन निकालेंगे, मार्कर उठा लेता हूँ ज़रा, डिफ्लेक्शन जब निकालेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर डिफ्लेक्शन y बराबर 0 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो फिर इस वाली इक्वेशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि x बराबर 0 पर y बराबर 0, लेकिन ये x बराबर 0 पहले पार्ट में आता है, इसका मतलब कि हम केवल पहले पार्ट में इसकी वैल्यू रखेंगे। तो जब यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर भी 0 रखोगे तो 0 0 प्लस सी टू, यानी सी टू की वैल्यू 0। फिर हम लोग जानते हैं कि ये जो B वाला पॉइंट है इस पर भी क्या होगा, x बराबर 0 पर y बराबर 0, 0 नहीं सॉरी x बराबर 14 पर, तो x बराबर 14 रख देते हैं, तो 14 देखो तीसरे पार्ट में आ रहा है ना लास्ट में, तो आप पूरे में रखेंगे। तो जब पूरे में रखोगे तो जो C1 की वैल्यू आएगी वो मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, आएगी माइनस 1448.84। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम लोग देखें तो C1 C2 हमें दोनों मालूम चल चुके हैं, इसकी वैल्यू को पहले हम लोग स्लोप इक्वेशन में पुट कर देते हैं ज़रा। तो देखो क्या आएगी स्लोप इक्वेशन हमारी, ई आई डी वाई बाई डी एक्स, या बच्चों बार बार ना लिखना पड़े तो मैं यहीं पुट कर देता हूं, तो C1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, माइनस 1448.84। ठीक, यहां पर भी पुट कर देता हूं सी वन एक्स प्लस सी टू में, तो सी टू तो जीरो है, बस सी वन एक्स मुझे लिखना है, तो माइनस 1448.84x प्लस जीरो वाला गायब कर दिया। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब मिटा दे रहा हूं,
और ये कैलकुलेशन हम लोग ने क्या करी थी, इसको बना दिया था हम लोग ने 15 और इसको भी हम लोग ने बना दिया था 15 और इसको हम लोग ने बना दिया था 10, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट आ गई, C1 C2 सब पुट कर दिया हमने, हमें डिफ्लेक्शन चाहिए C पर, तो C कहाँ पर है, C है x बराबर 3 पर, यानी पहले पार्ट में, तो एट x इज इक्वल टू 3 y की वैल्यू मालूम करनी है, तो x की वैल्यू 3 इसके पहले पार्ट में रख दीजिए बस, तो y हमें मालूम ही करना है, 15 इंटू 3 का क्यूब माइनस 1448.84 इंटू 3, यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, अपॉन ई आई, तो e की वैल्यू बच्चों ये दी हुई है और i की वैल्यू ये दी हुई है, पुट कर देता हूं जरा मैं e की जगह और i की जगह, यूनिट सारी सही है क्योंकि पूरा सवाल किलो न्यूटन और मीटर में ही चल रहा है, तो यहां से जब हम लोग बच्चों y कैलकुलेट करते हैं तो जो y की वैल्यू आती है वो मीटर में निकल के आएगी 0.00293 मीटर, आप चेक कर लेना। ये कहां पर y आया बच्चों, x बराबर 3 रखा था ना तुमने, तो ये c पर आया है, अब निकालना है कहां पर, d पर, यानी x बराबर 9.5, तो एट x इज इक्वल टू 9.5 yd की वैल्यू निकालनी है, तो अब ये वाला जो पॉइंट है d वाला, ये शुरू के दो सेक्शन में है, यानी कि आप यहां तक की इक्वेशन लेंगे दो पार्ट तक की, तो रख देता हूं वैसे ही, तो ei इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं, yd जो कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 15 इंटू x की जगह 9.5 का क्यूब माइनस 1448.84 इंटू 9.5 माइनस 15 इंटू 9.5 माइनस 3 का क्यूब, इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, ei वैसे ही इधर नीचे ले जाना, तो yd की वैल्यू सॉल्व होकर आपके पास आ जाएगी, तो C और D पर तो वैल्यू आ गई है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें निकालना है, तो जल्दी से नोट कर लो जरा, तो बच्चों जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, अब लास्ट में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, तो ऐसे तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन C या D के बीच में ही कहीं पर होना है, तो यानी कि सेकेंड पार्ट के लिए ऐसी जगह आएगी जहां पर स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए क्या करना होता है, स्लोप यानी कि dy by dx को क्या करना होता है, जीरो करना होता है, तो एक काम करो, या तो तुम दो पार्ट के लिए dy by dx जीरो कर दो, दो पार्ट के लिए मतलब केवल इतने पार्ट के लिए जीरो कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, या तुम्हें मान लो नहीं पता कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहां होगा यहां होगा यहां होगा, हमें नहीं पता कहां होगा, तो एक काम करो, ये तो पता है ना कि जहां भी होगा, मान लेते हैं अगर यहीं पर है तो वहां पर स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, तो बस हमें वही x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूं स्लोप को जीरो कर देता हूं, यानी कि इस वाली इक्वेशन को पूरा dy by dx को जीरो कर देता हूं, तो इधर सब जीरो, इधर क्या आ गया मेरे पास 45x² माइनस 1448.84 माइनस 45x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 9.5 का होल स्क्वायर, इसको जीरो कर दिया, आप देखो इसके स्क्वायर को ओपन कर लेना, इस स्क्वायर को ओपन कर लेना, तो एक्स स्क्वायर टाइप की इक्वेशन बनेगी, उससे एक्स की वैल्यू इजीली निकाल आएगी, हो सकता है एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा है, तो जो हमने निकाली है वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 6.87 है, बाकी जो दूसरी वैल्यू आएगी वो देखना, या तो वो इस क्वेश्चन के 14 से ही बड़ी आ जाएगी या निगेटिव आ जाएगी, तो दूसरी जो वैल्यू होगी उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो अब हमें x इज इक्वल टू 6.87 पर y की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 6.87 कहां पर लाई करना होगा भाई, ये 3 है यानी 3 से ज्यादा होगा और यहां तक 9.5 है यानी इससे कम होगा, तो इसका मतलब यही कहीं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा जिस पर x की वैल्यू क्या है 6.87 पर, अब ये कितना होगा ये निकालना है, तो सेकेंड पोर्शन में है ना ये, तो डिफ्लेक्शन चाहिए मुझे, तो सेकेंड पोर्शन तक की जो इक्वेशन है, कहां तक की बच्चों, सेकेंड पोर्शन तक की जो इक्वेशन है, यानी कि केवल इतनी, इसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 6.87, तो चलो पुट कर देता हूं, तो ई आई वाई मैक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 6.87 का क्यूब इंटू 6.87 माइनस 15 इंटू 6.87 माइनस 3 का होल क्यूब,
ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ई आई से इधर ले जा करके डिवाइड कर दीजिएगा, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जो कितनी निकल के आई है मेरे पास, 0.0043 मीटर। ये शायद माइनस में आएगी, माइनस का मतलब कि डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है, पीछे भी जो वाई निकाल रहे हैं वो भी माइनस में ही आएंगे, आप चेक करिएगा।